Shanti. Om. Shanti. Om. Shanti. Om. मुझे याद आता अपने जीवन का एक इंस्टेंस, जब हम बहुत छोटे थे और कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो हम जा रहे थे और जाते समय वहाँ पर हमारी जो यू स्पेशल होती थी उसको कैच करने के लिए हम बस स्टॉप पर खड़े थे। तो वहाँ पर एक बहन थी जो हमारे एरिया की थी, तो मैंने देखा वो भी किसी बस का इंतज़ार कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने उसको देख करके मैंने थोड़ा सा स्माइल पास की, क्योंकि रोज़ देखते थे तो देखते देखते क्या हो जाता है, थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। भले फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन एक फ्रेंडशिप होती है। तो मैंने देखा कि उसको देख करके मैंने स्माइल पास की, उसकी भी बस आ गई, वो अपनी बस में निकल गई और मैं अपनी बस में निकल गई। तो मैं जब उसको वाइब्रेशंस दे रही थी, तो मन में ये संकल्प अंदर में आ रहा था कि बाबा ये बच्चे भी अगर आपकी बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, इसको भी आपका मैसेज मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो मन में ये संकल्प, जब वो मैं उसको खड़े देखती थी, तो मैं उसको डेली ये संकल्प और वाइब्रेशंस देती थी। ये बात जो मैं आपसे कर रही हूँ ना, ये 76 के आसपास की है। तो उस समय कुमारियों की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, आजकल तो झाड़ का झाड़ा नहीं करता है, लेकिन उस समय बहुत वैल्यू होती थी। तो आप बिलीव करेंगे कि मैं उसको जब वाइब्रेशंस देती थी रोज, तो एक दिन हम अपने घर के बाहर निकल रहे थे और वो सामने से आ रही थी। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को देखकर हंस पड़ेंगे। हंसने के, अच्छा आप यहाँ रहती हैं? मैंने कहा मैं यहाँ रहती हूँ। मैंने कहा पाचो हूँ यहाँ पर? तो कहती हाँ ठीक है। तो वो अंदर में आई, अंदर में उसको बाबा का कमरा दिखाया, देखकर बाबा का परिचय दिया। तो वाइब्रेशन से क्या हुआ, सृष्टि बनती है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले अपने वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए हमें अपने स्वमानों का ज्ञान और बाबा के ज्ञान की हर एक पॉइंट का पूरा पूरा क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है।